एक दिन रो रहे थे कि मेरे को पुत्र नहीं है, और आज रो रहे हैं कि ऐसे बेटे से तो निसंतान होता तो ठीक था। पहले नहीं था तो एक दुख था, लेकिन आज है तो हजारों दुख हैं। अरे उलाना तो नहीं था, समाज के अंदर इज्जत तो थी, तो ऐसे परेशान हो गए महाराज, दुखी हो गए। इतने में गोकर्ण जी आ गए, पिताजी क्यों रो रहे हो, कुछ तो अपने आप को जड़ो महाराज, समझो कुछ तो। इतना ज्ञान इन आंखों से अर्जित किया है, समझो कुछ, अब तो वजन कर लो महाराज। और अपने बेटे गोकर्ण की बात मान करके आत्मदेव जंगल में चले गए, और भगवत पुराण का दसवां स्कंद का पाठ करके सदगति को प्राप्त हो गए, भगवान नारायण की प्राप्ति हो गई। पीछे से धुंधकारी को पता लगया कि अब तो पिताजी तो बाहर चले गए हैं, और गोकर्ण ने सोचा कि अब गांव में रहना ठीक नहीं है, और वो तीर्थ के ऊपर चले गए, तीर्थों पर यात्रा करने चले गए। अब मां और बेटा दोनों रह गए। धुंधकारी के दोस्तों ने कहा, भाई तेरे पिताजी ने बड़ा धन इकट्ठा कराया, थोड़ा सा धन लिया, पांच चार बोतल लियावांगे, पीवांगे, कुछ ना कुछ पार्टी शार्टी करांगे। बोलो शंकर भगवान। और महाराज पी हुई थी, श्राद्ध पहले ही पूर्ण था, ओ कहने से मैं चूर चल्या, हैं कर कहने सरूर चल्या, एक ब्राह्मण का नूर चल्या, जुल्म करण ने मापे, जाके घर पर क्रोध जताया, किस कुणे में दबरी माया, वह भोजन पानी पूछती रहेगी, बनके सियाणी पूछती रहेगी, बात कहानी पूछती रहेगी, केल्या वागा शबाप है, इतने पीसे मांगण लाग रहा, केल्या वागा पागल। लेकिन धुंधकारी ने कहा, माता जी या तो पैसे दे दे, बता दे कहां पर रखा है, उस समय वो भोजन बना रही थी, नहीं तो तेरी जलती हुई लकड़ियों से पिटाई करूंगा। और माता ने कहा कि तेरा तो रोज का काम है, तूने तो सारा धन अन्न शराब के बट निकाल दिया, जा कहीं पर चला जा, मर जा दुधकारी जा करके। जब माता ने ऐसे प्रताड़ित किया तो क्रोध आ गया, और उसी समय लकड़ी उठाई, चूल्हे से निकाली, और जलती हुई लकड़ियों से अपनी मां को पिटा। आज बड़ी रोई धुंधली ने अपने आप को कोसा, धुंधली तूने अपने परमेश्वर जैसे पति से दगा किया है, धोखा किया है, तेरा पति आत्मदेव कितना भला मानस था, तेरे को फल दिया, अरे वही फल तूने इस गाय को खिलाया, यदि तू वो फल खा लेती तो गोकर्ण तेरा बेटा होता, और ये धुंधकारी की समस्या ना होती। तू जड़ है इस कलेश की, पता मर जाना चाहिए तेरे जैसी स्त्री को। और उसी समय रात का समय था, महाराज घर से चली गई, कूपे पाता कृतो रात्रु तेन सा निदनम गता, इतनी दुखी होगी कि कुएं में जाकर के उसने अपना प्राणांत कर लिया, मर गई। अब अकेला रह गया, अकेला मन, या तो शैतान का घर और या भगवान का घर। जिसके अंदर मन की वृत्ति जुड़ी होती है उसी की तरफ मन ले जाता है। यदि भजन में है, अकेला है, तो महाराज भजन करेगा और आनंद को प्राप्त होगा, और जो दुराचारी है, पाप करता है, वो भी एकांत में चोरी करेगा, पाप करेगा। इसलिए धुंधकारी ने सारी उम्र पाप किए, तो इसलिए वो पापी था, उसका मन भी पापी था। अब छूट मिल गई उसको, कहने वाला कोई नहीं, और उसने पांच देवियों को जाकर के कहा, देवियों बड़ा धन है हमारे पास, चलो घर पर मेरे। जाके ने वैश्यांता बोलिया, चलो मेरे थान पे,
श्री चेतन शर्मा पढ़ावन लगे थप्पड़ मारिया कान पै, और सतगुरु ने ईश्वर शर्मा दया करी निदान पै, बरी स्याई की दवात राम की सो, इब सही कटे दिन रात राम की सो, ऐसा सोचने लग गया दुंधकारी। और कहते हैं महाराज ओ देवियां आई चोरी करके ले आता, बहुत सा धन देता, और कहते हैं पाप दुराचारों में नीरत हो गया। एक दिन की बात है, राजा के यहां चोरी की, बहुत सा धन लेकर के आया। उन देवियों ने सलाह कर ली कि या तो एक न एक दिन ये पकड़ा जाएगा, और यदि ये पकड़ा गया तो तुम्हारे को भी पकड़ेंगे राजा, तो तुम भी मारी जाओगी, अतः इसको ही मार देना उचित है। तो कहते हैं उन देवियों ने उसको शराब पिलाई, और उसके जब नशे में चूर हो गया तो उसके गले में रस्सी डाल करके उसको खींचा, फांसी देना चाहा। जब उसके गले के ऊपर खिंचाव पड़ा तो उसने चिल्लाना शुरू किया। मनुष्य को मारना बड़ा कठिन है महाराज, गात कांप गए उनके, स्त्रियों के। तो एक भाग करके चूल्हे से अंगारे लेकर के आई, और उसने जाके उसके मुख के अंदर अंगारे डाल दिए, और जीते जी अंदर से जल गया दुधकारी, और तड़प तड़प करके वो मर गया। उसके ही घर के अंदर उसकी जो के गड्ढा खोद करके वहीं पर गाड़ करके, और रात को ही सारा धन लेकर के वो देवियां चंपत हो गई, चली गई, प्रेत बन गया बड़ा भारी, फांसी खा करके मर जाए, जहर खा करके मर जाए, कोई सांप डस ले, एक्सीडेंट वगैरह से मर जाए, अपने आप आत्महत्या कर ले, तो उस व्यक्ति की सदगति नहीं होती है, दुर्गति होती है उसकी। उसके भाग्य में प्रेत बनना होता है, प्रेत भी एक योनि है, वो माड़े कर्म से प्राप्त होती है, और प्रेत योनि भी ऐसी होती है, भूख लगी होती है, भोजन सामने होता है खा नहीं सकता है, प्यास लगी होती है, नदी के किनारे बैठा है फिर प्यास पानी नहीं पी सकता है। बोली आनंद कंद भगवान की, बड़ी बुरी स्थिति होती है प्रेत की। प्रेत बन गया महाराज। आज लोग गांव के उस घर के पास से अपने बच्चों को यह कहते हैं कि वो पंडित जी के घर के पास ना जाइयो, वहां पर प्रेत रहता है, भूत रहता है। जिस घर के अंदर से टाली की आवाज आया करती थी, शंख की आवाज आया करती थी, पंडित जी पूजा करते करते नारायण 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 जपा करते थे, नित्य लोग जिस घर से चरणामृत लिया करते थे, उस घर की आज ऐसी बुरी दशा है कि उस घर के अंदर दाब जम गई, लोग उस घर के पास से जाना छोड़ गए। गोकर्ण को पता लगा महाराज अभी मेरा भाई प्रेत बन गया है, तो गया जी गए हुए थे उनके पिंड दान करवाए, अपने घर पे आए रात के समय, अपना परना बिछाया, घास फूस इधर उधर करके परना बिछा करके लेट गए, और जब लेटे तो उसी समय वो दुंधकारी प्रेत कभी अग्नि बन जाए, कभी शेर बन जाए, कभी बिल्ली बन जाए, ऐसे ऐसे रूप धारण करने लग गए। एक बार तो गोकर्ण जी घबराए, क्या है कौन है, पूछा भाई कसी तुम कौन हो, लेकिन वो प्रेत है इसलिए वो बोल नहीं सका। तो दुंधकारी के ऊपर थोड़ा सा जल लेकर के गोकर्ण जी ने भगवान का ध्यान करके मंत्र पढ़े, और मंत्र पढ़ करके उस प्रेत के ऊपर जल का छिंटा दिया, और उस जल के छिंटे लगने से उस प्रेत के पाप थोड़े से नष्ट हुए, और उसके अंदर बोलने की शक्ति आई। शक्ति मिलते ही बोल पड़ा, अहम भराता त्वदीयोऽस्मि धुंधुकारी ती नामता
स्वकीय नैव दोषेण ब्रह्म तम नासितम मया। गोकर्ण, मैं तेरा बड़ा भाई दुधकारी हूं और मैंने अपने पाप कर्मों से अपना ब्रह्म तत्व नष्ट कर लिया है। मैं प्रेत बना हुआ हूं, मेरा उद्धार कर दे, तू बड़ा ज्ञानी है। गोकर्ण ने कहा, भाई अब तो तू विराम दे और सुबह विचार करता हूं। लोगों को पता लगा कि गोकर्ण आया है तो सभी गोकर्ण जी से मिलने के लिए गए। महाराज राम राम हुई, बड़े बुजुर्गों को राम राम करी, बच्चों को आशीर्वाद दिया, सभी आए। गोकर्ण जी से पूछा, बेटा गोकर्ण यात्रा पे गया था, अरे हमारे लिए भी ले आया कोई खील लैची दाना, बोलो शंकर भगवान की, कोई माला ले आया, वो बड़ा चो ओए करदा मेला में जाए कर दे, 5 रुपये दे दे थे बूढ़े कूद दे जाए कर दे, बोलो शंकर भगवान की, 2 महीने पहले चो ओ जा था, छोरी रूस जा थी जे माला नहीं ले आवा थे, बोलो शंकर भगवान भगा का मारा माला ने, ले प्लास्टिक के मणके ठा ले आया, अरे बूढ़े बड़ो दे थे महाराज, बोलो शंकर भगवान की, ऐसे मिले होते थे हैं। एक बुजुर्ग को 1 रुपया दे दिया उसके पिताजी ने, ले बेटे मेला है देखे यो, और अगला साल आ गया फिर देने लग गया उसका पिताजी, ले बेटा रुपया ले जा मेला देखे ये। वो बोला, पिताजी मेरे पता आए नहीं मुके इब लग, बोलो शंकर भगवान की, पिछला साल आला ले रहे हूं। तो बुढ़ा बोला, भाई जद तने 1 साल हो गए रुपया कर्ज नहीं करया, तो अपनी जिम्मेवारी सांभ, मेरा पेंडा छोड़, बोलो शंकर भगवान की, अपना घर सांभ भाई, तू तो नहीं भाई डिग्या वागा, बोलो शंकर भगवान की। तो ऐसे होते थे, 1 रुपया में तो लाठी भी ले आवा थे, और तो मिला नहीं था मेला में कुछ, लोहा की गड्डी है नी लाठी, हाँ लाठी ले आया, मैं इस चरण जाऊंगा पाली देखेंगे, बड़ी निगर ले आया भाई लाठी, यहां चीज थी मेला में तो लेने की, इब तो टम्पू 1500-1500 के तो टम्पू आवा महाराज, जैसरी टन है तो ले जा रही, बस गोदी खाली, वो आप अपनी लाठी लुठी नहीं आंदी, बोलो शंकर भगवान की, असल में तो लाठियां तक जानता नहीं कोई है नी, उम्र इतनी कम रह गई है मनुष्य की, लाठियां तक तो कोई भगवान जावेगा आगे, बोलो शंकर भगवान की, जितना जिया जावे आनंद से जियो, दुखी ना होया करो, थोड़ी थोड़ी बात पर, बोलिए आनंद कंद भगवान की। तो कहते हैं महाराज जी, सारे इकट्ठे हुए, भाई मेला में गया था दुंदकारी गोकर्ण, ठीक भी है भाई? हाँ जी हाँ जी ठीक है, आप सब ठीक है, आपका घर परिवार बच्चे सब ठीक है? ठीक है भाई। और कहते हैं रात का सारी बातें गोकर्ण ने बताई कि मेरे को दुंदकारी मिला, वो प्रेत बना हुआ है, अतः आप तो सारे बुजुर्ग हैं, आपने तो बहुत कुछ देखा हुआ है, बताओ तो क्या करें उनके लिए। सारे बोले, भाई गोकर्ण तेरे से ज्यादा विद्वान हमारे गांव में कौन है, जब तेरे को नहीं पता तो हम क्या बताएं। तो सूर्य को नमस्कार करया गोकर्ण जी ने, तुभ्यम नमो जगत साक्षीन ब्रूही में मुक्ति हेतुकम तत्श्रुत्वा दूरत सूर्य सफुटमित्याभिभाषिता। हे जगत साक्षी, आप तो इस जगत को देखने वाले हैं, अतः बताओ तो मेरे भाई ने ऐसा क्या कर्म किया है जिससे वो प्रेत बना हुआ है, और ऐसा कौन मैं यज्ञ करूं, ऐसा कौन सा कर्म करूं जिससे वो प्रेत योनि से मुक्त हो जाए। तो सूर्य ने कहा कि उनको आप भागवत की कथा सुना दो, 7 दिन की कथा करो और कथा उसके निमित्त सुनाओ। तो महाराज आषाढ़ महीने की चांदनी नौमी से लेकर के 89 तक गोकर्ण को कथावाचक बना लिया, सारा गांव आस पास बैठ गया,
बड़के नीचे दाब बिछा दी और आम के पत्तियां की बंदरवाल बना दी हैं, और सारा गांव बैठ गया, जय जयकार करने लग गया, सारे भगवान के चरणों में निवेदन करने लग गए। और सातवें दिन की कथा सुन करके धुंधकारी देवताओं जैसा रूप लेकर के प्रकट हो गया। बोलिए भागवत भगवान की, आनंद कंद भगवान की, बाबा बालक दास जी महाराज की। और इस प्रकार धुंधकारी को देख करके देवता, अरे देवता आ गया भाई कोई, सभी ने जय जयकार करी। और धुंधकारी ने कहा, गोकर्ण धन्यवाद भाई तेरा, धन्य भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी, गोकर्ण तेरी कथा धन्य है महाराज, जो प्रेत की पीड़ा का निवारण कर दिया इसने। सप्ताहोपि तथा धन्य कृष्ण लोक फल प्रदा, जो आपने सप्ताह भर में भगवान कृष्ण की मुझे प्राप्ति करवा दी, मेरे तो करोड़ों जन्मों में पाप नहीं कटने वाले थे भाई, तेरा बारंबार धन्यवाद। इतने में ही भगवान विष्णु के पार्षद आए, धुंधकारी आजा भाई बैठ जा विमान के अंदर, चल तेरे को ठाकुर जी के पास लेकर के चलते हैं। विमान में बैठ गया। गोकर्ण जी ने पूछा, भाई ये सभी लोग कथा सुन रहे हैं, विमान तुम धुंधकारी के लिए लेके आए हो, इनके लिए नहीं लेके आए क्या? तो भगवत पार्षदों ने कहा कि मुक्ति के लिए केवल धुंधकारी ने कथा सुनी है, कोई संतान के लिए सुन रहा है, कोई पोते के लिए सुन रहा है, कोई धन के लिए सुन रहा है, कोई बेटा का ब्याह हो जाए, पता नहीं क्या क्या मनोकामना है। अब महाराज जिसकी जो मनोकामना है वही तो पूरी होगी। धुंधकारी की इच्छा थी कि मेरी मुक्ति हो जाए, तो इसकी ये इच्छा पूरी हो गई है, अतः इसलिए इसके लिए विमान आया है। यदि मुक्ति की आप इच्छा रखोगे तो आपके लिए भी निश्चित है महाराज, एक दिन जरूर आवागवा आना, वो तो पक्का है। बोले आनंद कंद बाबा, वो तो पक्का है, हैं सबका। और जद आवागा नहीं, इतना कर लेना चाहिए हैं कि वो आए और वे कहें चल भाई, और बस चलो महाराज। बोले आनंद कंद भगवान की, इतना तैयार हो जाना चाहिए, हाथ जोड़ करके लेके जाएंगे, भाई तूने बड़ी सेवा करी है भगवान की, हम तो भगवान के दास हैं और भगवान तुम भगतों का दास है, हमारे को तो उसने आज्ञा दे रखी है कि जहां पर मेरा नाम लेता हो कोई, उनके पास यमदूत बन करके मत जाना, देवता बन करके जाओ। और जिसको देवता लेने के लिए आते हैं ना, तो उसका चेहरा खुश होता है, नेत्र खुले होते हैं, मुख भी खुला होता है कईयों का। वो जो देह है जिसको देवता लेने आते हैं, उसका प्राण आंखों से, मुख से, कान से या फिर नासिका से निकलता है, और जिसका देह महाराज मलमूत्र से छूटता है ना, तो उसके सामने यमदूत आते हैं उसको लेने के लिए, बड़े बड़े विशाल नाखून, बड़ा विकराल स्वरूप, और उनको देख करके वो भयभीत हो जाता है और फिर भय के मारे मलमूत्र करने लग जाता है और उसका देह छूट जाता है, निश्चित ही उसकी अधोगति होती है। इतना धन इकट्ठा कर लेना चाहिए, चिंता नहीं होनी चाहिए। बोले आनंद कंद भगवान की। और कहते हैं महाराज उद्धार हो गया, सारा गांव प्रसन्न हो गया। ये चरित्र सांडिल्य मुनि नित्य सुनाते रहते हैं, नारद जी ऐसी है भागवत कथा, जो प्रेतों को मुक्ति देती है, पितरों को आनंद प्रदान करती है। शास्त्र में ऐसा लिखा है, जो संध्या करके भगवान की कथा सुन करके अपने घर के अंदर भोजन बना करके भगवान को भोग लगाते हैं,
उनके पितर देवता स्वच्छंद स्वर्ग में वास करते हैं, जिसके घर का भोजन खा करके ब्राह्मण वेदों के मंत्र का उच्चारण करते हैं, उनके तो पितर देवता सदा आनंद से वास करते हैं। और पितर इतने सामर्थ्यवान होते हैं, वो हर क्षण हमारे पास ही रहते हैं, केवल हम उनको देख नहीं सकते हैं। बोलो शंकर भगवान की। उसके लिए तपस्या करनी पड़ती है। शिव पुराण के अंदर रुद्र संहिता है, रुद्र संहिता 7 संहिता होती है शिव पुराण में। काल भैरव की मूर्ति के सामने बैठ करके जोत जगा करके पानी का पात्र रख करके मौन चुपचाप एक आसन होना चाहिए, एक आसन पे ही बैठना है। ये नहीं है कि कदी उरला गोड्डा उठा लिया कदी परला। बोलो आनंद कंद भगवान की। एक आसन पे बिना किसी से बोले मौन होकर के रुद्र संहिता भैरव जी को सुनानी होती है, और 5 दिन ये कर्म करना पड़ता है। यदि 5 दिन आपने रुद्र संहिता सुना दी तो 5वें दिन भैरव जी आपके सिद्ध हो जाते हैं, और वो ऐसी शक्ति देते हैं तो आप गांव के संतों को देखने की सामर्थ्य रखोगे, सिद्धों को, अपने पितरों को देख सकते हैं, प्रत्यक्ष में बात कर सकते हैं देवताओं से। लेकिन वो करना बड़ा कठिन है। यदि उसको करने लग जाएं और अपने आसन से खड़े हो जाएं तो हो सकता है मृत्यु भी हो जाए, शरीर बांगा टेढ़ा हो जाए। इसलिए साधना करनी नहीं चाहिए, क्योंकि साधना करने के बाद उसका दुरुपयोग होने लग जाता है, और जब दुरुपयोग करते हैं तो अंत बड़ा माड़ा होता है उसका। बोले आनंद कंद भगवान की। सात्विक भजन करो भगवान का, वही कष्ट निवारण करते हैं सारे के। बड़ी कथा सुनाई महाराज आपने, सनकादि ऋषि यों को बारंबार ऐसे हाथ जोड़ करके नारद जी ने नमस्कार किया। इतने में ही श्री सुखदेव जी आए वहां पर। सुखदेव जी को आता देख करके सभी ने उनका स्वागत किया, और सुखदेव जी ने सभी को कहा, अरे भाई आप बड़े भाग्यवान हैं। मोहुर हो रसिक भूवि भाव का, हे मनुष्य, हे भावी, आपके अंदर भावना है, अतः इसको बारंबार सुनो। भगवान श्री कृष्ण जी अपने पार्षदों के साथ वहां पर पधारे, प्रहलाद जी पधारे, प्रहलाद ने मंजीरे ले लिए, इंद्र ने ढोलकी ले ली। बोले आनंद कंद भगवान की। अर्जुन राग लग गए गाने, अलाप लग गए करने महाराज, और जब भगवान वहां पर आए तो सभी ने भगवान श्री कृष्णचंद्र जी का दर्शन किया। सुखदेव जी का आगमन देख करके सभी खुश हो गए, प्रसन्न हो गए, और सभी ने बारंबार श्री ठाकुर जी से निवेदन किया, बिहारी जी आपको बारंबार नमस्कार है, बारंबार प्रणाम है। तो अब सोनक जी पूछते हैं, महाराज जी आपने ऐसी अच्छी कथा सुनाई हमारे को, ऐसा भागवत जी का मातम सुनाया है आपने, ऐसी कथा है तो इसके नियम क्या है सुनने के, ये तो बता दो। हाँ महाराज जी, ऐसा है, सुबह सुबह उठो, स्नान करो और भगवान का ध्यान करो, भजन करें, स्मरण करें, व्रत रखें, हो सके तो निराहार रहे, महाराज भूखा तो नहीं रह जाएगा। फिर ऐसा करो, दूध में घी डाल करके पी लो सुबह, उससे आपको सारा दिन भूख नहीं लगेगी। बोले आनंद कंद भगवान की। और फिर शाम को भोजन कर लेना एक टाइम। यदि निराहार नहीं रह सकते तो फलाहार रहो, फल खा करके रहो, यदि फल से भी गुजारा ना हो तो एक टाइम भोजन करो। तो इतने में ही
शनक जी बोले कि नारद जी मैं तो ये कहता हूं कि यदि कथा सुनने में भोजन विक्षेप ना डाले, अड़कस ना पैदा करे, तो तीनों टाइम भोजन करो। बोलो आनंद कंद भगवान की शर्त यह है कि कथा सुननी है, कथा का एक एक अक्षर भी ना निकल जाए, भोजन करो, कोई बात नहीं। बोले आनंद कंद भगवान की, श्री कृष्ण चंद्र भगवान की। नाखून नहीं काटने चाहिए, पुरुष वर्ग को बाल नहीं कटवाने चाहिए, दाढ़ी इत्यादि नहीं करवानी चाहिए, शुद्ध वस्त्र पहनने चाहिए और गृहस्थ धर्म का भी पालन करना चाहिए, हो सके तो नीचे सोना चाहिए, ना हो सके तो बिस्तर पे सो, कोई बात नहीं है। तामसी वस्तु नहीं खानी चाहिए, लहसुन प्याज उड़द बैंगन सिरसम का तेल, बोले आनंद कंद भगवान की ये चीज नहीं खानी चाहिए, क्योंकि इससे तामसी वृत्ति प्रकट होती है, तामसी वृत्ति से क्रोध होता है और क्रोध से फिर तपस्या नष्ट होती है, इसलिए ये वस्तु खाने के लिए मना किया हुआ है। और भगवान की नित्य कथा सुननी चाहिए और थोड़ी सी भगवान के साथ बतलाना भी चाहिए, ठाकुर जी कर दियो कृपा थोड़ी सी। बोले आनंद कंद भगवान की ऐसा ऐसा करना चाहिए, भगवान के साथ बतलाना चाहिए। जैसे हम साधारण मनुष्य के साथ अपना दुख सुनाते हैं, भाई उसने मेरे साथ ये कराया, मेरा इतना नुकसान हो गया, उसी तरह भगवान के साथ बतलाना चाहिए। वो लोग आपका साथ नहीं देंगे, लेकिन ये पक्का है आपका इष्ट देवता आपका जरूर साथ देगा। तो कहते हैं इस प्रकार भगवान का स्मरण करके अपना है कथा करनी चाहिए, सुननी चाहिए। बड़ी विधि बतलाई महाराज, बड़ी कृपा करी, और कहते हैं बड़े आनंद के साथ वो अनुष्ठान हरिद्वार के अंदर कथा संपूर्ण हुई और सभी अपने अपने आश्रमों को चले गए। बोलिए श्री कृष्ण चंद्र भगवान की। अब सोनक जी ने प्रश्न कर दिया, महाराज जी बड़ी सुंदर कथा आपने सुनाई, हमारी इच्छा है कि आप बतलाएं कि भगवान श्री कृष्ण तो नारायण थे, उन्होंने भी माता पिता माता के गर्भ से जन्म लिया, उनके तो संकल्प मात्र से सारे दुष्टों का नाश हो सकता है, वो ऊपर बैठे बैठे पूतना अकासुर बकासुर अगासुर देनुकासुर सारे सुर न मार सका था, लेकिन उसको जन्म लेने की जरूरत क्या पड़ी, ऐसी क्या इच्छा हुई जो भगवान को भी बच्चा बनना पड़ा। सूत जाने से भद्रम ते भगवान सात्वाताम पति देवक्याम वशो देवस्य जातो यस्य चिकीर्षया। वसुदेव और देवकी का बेटा बन करके आया, ऐसी उनकी क्या इच्छा थी, और वो अवतार धारण करके आए। यदा यदा ही धर्म से गला निर्भवती भारता, हे अर्जुन जब जब धर्म की हानि होती है तब तक मैं धर्म की स्थापना करने के लिए जन्म लेता हूँ, अवतार धारण करता हूँ। तो महाराज यदि उन्होंने अवतार धारण किए हैं धर्म की रक्षा हेतु, तो कृपा बतलाएं कि अब तक उनके कितने अवतार हो चुके हैं। और महाराज जब भगवान धर्म की रक्षा करने के लिए अवतार धारण करते हैं तो कृपा यह बतलाएं, जब प्रभु अवतार धारण करके अपनी लीला पूरी करके जाते हैं, धर्मम किम शरणम गता, तो उस समय धर्म किसकी शरण में जाता है। और कृपा महाराज ये भी बताएं कि वेद व्यास जी ने ये भागवत की कथा किस जगह पर बैठ करके किस समय में इसको लिखा, कृपया बतला। सोनक जी बड़ा ही उत्तम प्रश्न आपने किया है, भगवान तो अपने भक्तों का उद्धार करने के लिए आते हैं, वो जो लीला करते हैं
उनकी लीलाओं को सुनकर के मनुष्य तर जाता है। एक आदमी था, वो एक कुएं में गिर गया महाराज। रस्ते में एक कुआ था, जा रहा था, बेरा नहीं था बेचारे को, पेड़े थे, पिपल खड़े थे महाराज, बेरा नहीं लगया बेचारे को, और वो कहते हैं उस कुएं में गिर गया। जब वो कुएं में गिरा तो उसने आवाज लगाई, बचाओ भाई कोई हो, बचाओ भाई कोई, कोई सुनता हो तो बचाओ। भगवान ने उसकी सुन ली और उसी मार्ग से अन्य दो तीन आदमी और जा रहे थे। उन्होंने सुना भाई कोई पुकार रहा है, बचाओ बचाओ, तो उन्होंने कुएं में झांक करके देखा तो एक आदमी हाथ पैर मार रहा था पानी में, डूबने वाला था। तो दो जने गए भाग करके, बेल लाए तोड़कर, ग्लो बेल जैसी बेल, बड़ी बड़ी लंबी लंबी रस्सियों जैसी होती हैं, तो उसको लेकर के आए और उसको नीचे एक पेड़ के बांध करके, और उस बेल का सारा एक आदमी उसके अंदर कुएं में उतरा नीचे। इतने में ही दो चार जने और आ गए, क्या बात है भाई, भाई आदमी डूबा हुआ है, आदमी डूब गया था, इसलिए उसने देखा झांक करके, महाराज तू एक कह रहा था, ये तो दो हैं। वो बोला भाई डूबा तो एक था, लेकिन इस जो दूसरा है वो तो इसको बचाने के लिए गया है। जो उस कुएं में गिरा था वो जटपटा रहा था, घबरा रहा था, बचाओ भाई बचाओ भाई, लेकिन जो उसको बचाने के लिए गया था उसको कोई भय नहीं था, क्योंकि वो उस कुएं में अपनी इच्छा से उतरा था। इसी प्रकार हम इस संसार में अपने कर्मों के द्वारा आकर के अपनी अज्ञानता के कारण गिरते हैं, और भगवान महाराज अवतार धारण करके उस कुएं में उतरते हैं, इस संसार में उतरते हैं और लीला करते हैं, कथाएं बन जाती हैं, और उन कथाओं को सुन करके हमारे को इस कुएं से निकाल लेते हैं। बोले आनंद कंद भगवान की, यही उनका कार्य है। और नित्य भगत सदा उनकी गाथाएं गा गा करके पार हो गए हैं, और महाराज जी उन्होंने बारंबार मनुष्य के लिए मुख्य 24 अवतार भगवान नारायण के हैं। पहला अवतार उनका सनक सनंदन सनातन और संत कुमार के रूप में हुआ, दूसरा अवतार उनका वाराह के रूप में हुआ, तीसरे अवतार में वो नारद जी बन करके आए, चौथा अवतार में वो नर नारायण बने। नर तो अगले जन्म में अर्जुन बने और नारायण खुद कृष्ण जी बन करके आए। पांचवा अवतार उनका कपिल मुनि के रूप में हुआ, छठा अवतार दत्तात्रेय भगवान और अनसुईया जी के घर पर दत्तात्रेय के रूप में हुआ, और सातवां अवतार महाराज जी उनका यज्ञ के रूप में हुआ, आठवां अवतार ऋषभदेव जी के रूप में हुआ, और नौवें अवतार में वो पृथु बने। पृथु महाराज नौवें अवतार थे भगवान के। पृथु जी ने पेवा के अंदर कार्तिकेय के मंदिर के पास, शंकर जी का मंदिर है जिसको बड़ा सवाला कहते हैं, उस शंकर जी की स्थापना करवाई वशिष्ठ ऋषि और विश्वामित्र से। 100 यज्ञ करे अपने पेवा में पृथु जी ने, और दसवें अवतार भगवान के हुए मछली के रूप में, मत्स्य बन करके आए। 11वें अवतार में वो कच्छप बने, कछुआ बने, मंदराचल उनकी पीठ पे रखा गया, और 12वें अवतार में धनवंतरी बन करके अमृत का कलश लेकर के आए। 13वें अवतार में एक स्त्री का रूप धारण कराया, मोहनी के रूप में आए, मोहनी बन करके, और 14वां अवतार प्रहलाद जी के ऊपर कृपा करने के लिए वो नरसिंह बने। फिर बलि राजा हुए, बलि का उद्धार करने के लिए 15वां अवतार हुआ भगवान का, वामन भगवान। 16वें अवतार में भगवान श्री परशुराम जी बन करके आए।
और 17वें अवतार में महाराज जी वो वेद व्यास बने। 18वां अवतार उनका श्री रामचंद्र जी के रूप में हुआ और 19वें वो बलराम बन करके आए। 20वें अवतार में वो श्री कृष्ण जी बने और कृष्ण जी ने एक रूप धारण कराया। 21वां अवतार जो भगवान का हुआ हंस और 22वां अवतार प्रभु का हयग्रीव हुआ और 23वें अवतार में कलयुग के अंदर गया जी के पास बिहार के अंदर संबल ग्राम में वो बुद्ध बन करके आए। बोले आनंद कंद भगवान की जय। श्री कृष्ण मगध देश में और संबल गांव के अंदर आगे भविष्य में जब कलयुग ज्यादा हो जाएगा, गंगा लुप्त होने लग जाएगी, गायें लुप्त होने लग जाएंगी, ब्राह्मण लुप्त होने लग जाएंगे, यज्ञ लुप्त होने लग जाएगा, कथा वार्ता कीर्तन संकीर्तन लोगों को ये नहीं पता होगा नारायण कौन है। जब ऐसा धर्म आ जाएगा तब संबल गांव के अंदर विष्णु यश ब्राह्मण के यहां यूपी में ही भगवान का 24वां अवतार होगा जिसका नाम होगा कल्कि। उस समय बहुत भगवान इकट्ठे हो जाएंगे, आज भी हो रहे हैं इकट्ठे। बोले आनंद कंद भगवान की, जगह जगह भगवान नाना दुकान खोल रखी है। बस मैं हूं सब कुछ, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा, मैं पार लगा सकता हूं, मेरा ध्यान करो, गुरु सबसे बड़ा है। जो गुरु होता है महाराज जी वो भगवान से मिलाता है, वो कभी अपनी पूजा नहीं करवाता है। अतः गुरु बड़ा सोच समझ करके छांट करके करना चाहिए। जो भगवान से मेल करवा दे, ले भाई मैं सत्य नहीं हूं, भगवान सत्य है, ठाकुर जी ले जा, स्नान कराया कर, तुलसी का पत्ता चढ़ाया कर, भोग लगाया कर, तेरी सारी बात सुने करेगा। बोली आनंद कंद भगवान की, बतलाया करो भगवान के साथ। जो ऐसा गुरु होता है वो गुरु होता है, जो मनुष्य को अपने आप का ज्ञान करवा दे तू कौन है, जो अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाए। ये नहीं है कि अंधकार में डाल दे। तो कहते हैं महाराज जब इतने भगवान हो जाएंगे तब भगवान ऐसे बहुत से राजा दुष्ट हो जाएंगे तो उनको सबको नष्ट करने हेतु उन सभी के जो जितने धर्म पैदा कर देंगे उन धर्मों को नष्ट करने के लिए मात्र एक सत्य सनातन की स्थापना करने के लिए भगवान का कलयुग में कल्कि अवतार होगा और दोबारा फिर सतयुग शुरू हो जाएगा। बोले आनंद कंद भगवान की जय। और अगली चौकड़ी शुरू हो जाएगी, फिर सतयुग आवेगा, फिर द्वापर आवेगा, फिर त्रेता आवेगा, फिर कलयुग आवेगा। कलयुग में फिर दोष गांव की स्थापना होगी, फिर तेरा मेरा फिर जन्म होगा, और हो सकता है फिर अगला कलयुग में फिर अपन कथा करनी पड़े। बोले आनंद कंद भगवान की, बड़ा लंबा गेट है महाराज, एक दिन का काम को नहीं धर्म था भाई, शास्त्र कहता है। बोलिए शंकर भगवान की, ऐसे भगवान के 24 अवतार हुए हैं और बारंबार वो अवतार धारण करके आते ही रहते हैं। महाराज जी और महाराज इन्हीं 24 अवतारों की कथा के आधार से ही ये भागवत कथा है। पूछ रही है महाराज जी बताओ तो सही, वेद व्यास जी ने इस ग्रंथ की रचना कहां पर की, क्यों की, किस भावना से की? तो सूत जी कहते हैं महाराज जी द्वापर के अंत में जब द्वापर युग संपन्न हुआ, एक दिन की बात है, बद्री विशाल के ऊपर हरिद्वार से 250-300 किलोमीटर ऊपर पहाड़ों में बद्री विशाल
एक तरफ नर पर्वत है, एक तरफ नारायण पर्वत है। उन पर्वतों के ऊपर पेड़े भी ऐसे हैं जैसे हम समाधि बना देते हैं महात्माओं की, वो वृक्ष भी ऐसे लगते हैं कि महात्मा बैठे हैं पलाथी लगाए, ऐसे पेड़े हैं। और भजन करने को मन करता है, सरस्वती और अलकनंदा जी वहां से प्रकट होती हैं। जहां पर सरस्वती प्रकट होती हैं उनके दूसरे ही किनारे पर पश्चिम दिशा में वेद व्यास जी की एक गुफा है, छोटी सी गुफा है, उसके अंदर 15-20 आदमी आराम से बैठ सकते हैं। बोलियानंद कंद भगवान की वो इतनी गुफा है, उस गुफा में रहते थे वेद व्यास भगवान। वेद व्यास जी ब्रह्मा जी का बेटे हुए वशिष्ठ ऋषि, वशिष्ठ के बेटे हुए शक्ति, शक्ति का पुत्र हुआ पाराशर, और पाराशर जी के बेटे हुए श्री वेद व्यास भगवान। बोले आनंद कंद भगवान की। और वेद व्यास जी महाराज उस गुफा में रहा करते थे। एक दिन की बात है, बड़े आनंद के साथ बैठे थे, जर्जर बहती हुई गंगा जी, बेर के वृक्ष थे, बेर खा करके अपना टाइम पास करते थे। सुबह सुबह का समय था, बड़ा आनंद था, पक्षी चहचकाहट कर रहे थे, संत लोग भगवान का स्मरण कर रहे थे, कोई कोई स्नान करके निकल रहा था। और एक और बात बताते हैं, अलकनंदा जी बह रही हैं, उसका बड़ा ठंडा पानी है और उससे 3-4 फुट इधर एक कुंड है, उसके अंदर गंगा जी का एक झरना आता है और वो झरना गर्म पानी का है। बोले आनंद कंद भगवान की, 3 फुट इधर तो गर्म पानी है और 3 फुट उधर ठंडा पानी है। बोले आनंद कंद भगवान की, ठंड इतनी पड़ती है महाराज, गर्म पानी में स्नान करो और भगवान का ध्यान करो। बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की। बैठे थे तपस्या में, अपने आंखें बंद करके भगवान का ध्यान किया और इतना आनंद था, तो उन्होंने विचार किया कि क्या ये दिन सदा ऐसे बने रहेंगे, जो ये आनंद है प्रकृति का, इन लोगों का इस संसार में जो ये सुख है, क्या ये ऐसे ही बना रहेगा। तो वो भविष्य को देखने लग गए, 2 साल आगे देखे, 5 साल आगे देखे, 10 साल आगे देखे, 20 साल आगे देखे, 50 साल, 100 साल, 200, 500, 1000 साल। जब उन्होंने कलयुग के देखे तो जैसे जैसे कलयुग आगे बढ़ता रहा, तैसे तैसे उनको चिंता होने लग गई। उन्होंने मनुष्यों को पाप कर्म के अंदर जब जाते देखा, कोई भजन नहीं कर रहा है, कोई तपस्या नहीं कर रहा है, एक दूसरे को मारने के लिए उद्यत हो गए हैं, इतने स्वार्थी लोग, अरे ये इतने दुखी हो जाएंगे। जैसे जैसे वो आगे बढ़ते रहे तो वेद व्यास जी बड़े दुखी हुए, ये तो संस्कृत भी भूल जाएंगे, इनको क्या समझ में आएगा भाई, अरे वेद की तो बड़ी बड़ी कठिन भाषा है, देखने में सह पेट पटा सह लिखा हुआ है और बोलने में खै बोलना पड़ता है, ये क्या वेद को समझेंगे भाई। तो ऐसा विचार करके, हमारे ऊपर कृपा करके, उन्होंने एक वेद के 4 वेद बनाए, महाभारत जैसे ग्रंथ की रचना की और एक एक करके 17 पुराण लिख दिए। इतना लिखने के बाद भी उनकी आत्मा ने यह कहा कि हे वेद व्यास जी, आपसे कुछ छूट गया है, अभी भी रहता है और समझ में नहीं आया कि क्या रह गया है, इतने ग्रंथ लिख दिए और फिर भी कुछ रह गया, ऐसा क्या रह गया है, समझ में नहीं आया। तो इतने में ही उनको एक ध्वनि सुनाई पड़ी, नारद जी अपनी वीणा के ऊपर
गाते हुए आ रहे थे। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोलो नारायण नारायण नारायण, श्री हरि नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण कोड़ी माया जोड़ी जोड़ दरी बरतन में, कोड़ी कोड़ी माया जोड़ी जोड़ दरी बरतन में, यम के दूत पकड़ के ले गए रह गई मन की मन में। श्री मन नारायण नारायण नारायण, भजन नारायण नारायण नारायण, हरि नारायण 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 नारायण। मट्टी काया मट्टी माया मट्टी का है खिलौना, मट्टी काया मट्टी माया मट्टी का है खिलौना, मट्टी का ये बना पुतला मट्टी में रल जाना। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, बोलो श्रीमन नारायण नारायण नारायण, बोलो नारायण नारायण नारायण, श्री हरि नारायण 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 कागज की एक नाव बनाई छोड़ दई सागर में, कागज की एक नाव बनाई छोड़ दई सागर में, कागज की नाव कागज की किश्ती पानी में छोड़ दो कितनी देर रहेगी, और वो सागर में छोड़ रखी है। कागज की नाव है भागवत जी, कागज के ऊपर भागवत की कथा लिखी हुई है, पढ़ लिया करो, यदि पढ़ नहीं सुन तो सकते ही हो। कागज की एक नाव बनाई छोड़ दई सागर में, कागज की एक नाव बनाई छोड़ दई सागर में, धर्मी धर्मी पार उतर के पापी बीच भवर में। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण, श्री हरि नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण आम किटानी कोयल राजी मछली राजी जल में, आम किटानी कोयल राजी मछली राजी जल में, गृहस्थी रहते घर में राजी सन्यासी बन। नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, ओ भजन नारायण नारायण नारायण।
नारायण 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 नारायण। बोली आनंद कंद भगवान की जय। तो स्वागत सत्कार किया, आसन दिया बैठने के लिए। नारद जी ने पूछा वेद व्यास जी क्यों दुखी हो, क्या बात है? वेद व्यास जी बोले महाराज मैंने इतने शास्त्र लिखे फिर भी मन में ऐसा लगता है कुछ छूट गया है। तो नारद जी बोले कि आपने महाभारत के अंदर भगवान कृष्ण जी की पुरुषार्थ का वर्णन किया है कि वो कैसे पुरुष थे, बहुत अच्छे पुरुष थे, लेकिन आपने उनके बचपन को छोड़ दिया महाराज। बचपन में उन्होंने क्या क्या लीलाएं की हैं, अतः उनके बचपन का भी तो बताओ। हाँ महाराज, बचपन के बारे में तो मैंने नहीं बताया है, तो वो ही तो छूट गया है। अरे उनकी लीला लिखो महाराज। उनकी लीला वेद व्यास जी सुन करके मैं तो एक दासी पुत्र से नारद बन गया, ब्रह्मा जी का बेटा बन गया। क्या महाराज ऐसा है? हाँ, पिछले जन्म में मैं एक दासी का बेटा था। हमारे गांव में महात्मा आए, गांव वाले बोले मेरी माता जी को, देवी जी तुम इन महात्माओं की सेवा करया करो, जो कुछ चाहिए हमारे को बता देना। हम माता और पुत्र उनकी सेवा करने लग गए। महात्मा कथा सुनाया करते थे, रोजाना कीर्तन किया करते थे। मेरी भी 5 वर्ष की अवस्था थी, बड़ा सुंदर रूप था मेरा। महात्मा पलोथी में बिठा लेते थे, बांह पकड़ करके कहते थे बोल बेटा नारायण नारायण नारायण। तो मैं गाने लग जाता था उनके साथ। 4 महीने के लिए चतुर्मास बिताने के लिए हमारे गांव में आए थे। जब 4 महीने पूरे हो गए, 1-2 दिन रह गया, प्रयांतड़े आवे नहीं जद, बोली आनंद कंद भगवान की, प्रयांतड़े ने चतुर्मास संपन्न हो जाता है और संत एक गांव को छोड़ करके अगले गांव चले जाते हैं। और जब महाराज जो है कि चतुर्मास खत्म होने लगा, तो जब मैंने ऋषियों को देखा तैयारी करते हुए, नारद जी बोले जब मैंने देखे नहीं महात्मा तैयारी लग रहे करने, जैसे जैसे वो जाने के लिए तैयार हुए तैसे तैसे मैं दुखी होने लग गया। अब तो महात्मा चले जाएंगे, ये कीर्तन ये कथा अब सुनाई नहीं देगी। तो जब वो जाने लगे तो मैंने उनके पांव पकड़ दिए। एक दिन की बात है महाराज जी, भोजन बनाया और मेरे को भी बड़ी भूख लगी हुई थी। एक थाली के अंदर भोजन बचा हुआ था। मैंने एक महात्मा से पूछ करके कहा कि महाराज मैं थोड़ा सा भोजन कर लूं। महात्मा ने कह दिया बेटा कर ले भोजन, और मैंने वो भोजन कर लिया। शुद्ध आत्मा हुई नारद की, झूठा भोजन खाने से 3 जन्म के पाप कटेंगे ईश्वर के गुण गाने से। गौ ब्राह्मण अतिथि की सेवा, गौ की सेवा अतिथि टैल बजाने से 3 जन्म के पाप कटेंगे विष्णु के गुण गाने से। बोली आनंद कंद भगवान की। तो महाराज मैं निर्मल हो गया प्रसाद खाते ही, मेरे अंदर ज्ञान का उदय हो गया और मैंने बारंबार उनसे प्रार्थना करी महाराज मेरे को भी चेला बना लो। संत बोले बेटा तू अपनी माता का इकलौता बेटा है, तेरी मां ने हमारी बड़ी सेवा की है और तेरे को ही साथ ले गए तो हमारे को गाली देगी। मैंने तो ऐसी सेवा की, मेरे बेटे को ही सन्यासी बना दिया। अतः जब तक तेरी माता जीवित है तब तक तू अपनी माता की सेवा कर, तेरे को मंत्र दे देते हैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का जाप कराया कर, कोई दुख नहीं होगा, तेरी सारी मनोकामना पूरी होंगी और अंत में तेरे को भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। और महाराज मैं तो नित्य इस मंत्र का जाप करने लग गया, एकांत में जाकर के बैठ जाता, भजन करता। मैं ये सोचता हूं कब मेरी माता जी शरीर पूरा करें और कब मैं जंगल में जाकर के भगवान का भजन करूं। पर ना माता जी आस लगाए बैठी है, 5-4 साल में जवान हो जाएगा, ब्याण जोगा हो जाएगा, बहू आवागी बेड़ा मां को फिरागी छमछम कर दी। मैं सोचू कद बुढ़िया टाइम पूरा करा अपना
बोलो शंकर भगवान की। और एक दिन भगवान ने मेरे ऊपर कृपा कर दी, सांझ का टाइम दार काटन जा थी गए कि एक सांप तो ऊपर पैर टिक गया और उस पैर जो के सांप ने मेरी माँ को डस लिया, मेरी माता जी मर गई। एक ने आके कहा तू उरा कीर्तन करदा रहिए, वहां तेरी माता जी शरीर पूरा कर गई। मैं बड़ा खुश होया महाराज। और जब वो सामने वाले बोला तू तेरी मां मर गई पागल, तू इतना खुश हो रहा है, तो मैंने रोना शुरू कराया, माँ की अंत्येष्टि करी। और फिर मैं घर छोड़ करके उत्तर दिशा में पर्वतों में आ गया, एक पिपल के वृक्ष के नीचे बैठ गया, बहुत तपस्या करी। भगवान ने मेरे को अपना स्वरूप दिखाया और जब वो स्वरूप देखा अगले ही घड़ी वो स्वरूप अंतर्ध्यान हो गया, तो मेरे को बड़ी उत्कंठा हुई। तो भगवान ने प्रकट होकर के कहा कि हे पुत्र, अगले जन्म में तू मेरा ही अंश बन करके प्रकट होगा, ब्रह्मा जी का पुत्र होगा। और जब महाराज जी प्रलय हुई तो उस प्रलय के अंदर मैं भी अधीन हो गया, और जब ब्रह्मा जी ने दोबारा सृष्टि रची तो ब्रह्मा जी का बेटा बन करके आया हूँ, नारद बन करके अब नित्य नारायण नारायण करता फिरता हूँ, जहां जी चाहे वहां पर चला जाता हूँ। बोले आनंद कंद भगवान की। अतः मैंने उनकी कथाएं सुनी, उनका नाम जपा, तो मैं नारद बना, ब्रह्मा जी का बेटा बना। अतः उनकी कथाओं का महाराज विस्तार से वर्णन करो, सुनाओ इनको कि भगवान श्री कृष्णा कौन थे, रामचंद्र जी कौन थे, ताकि इनको पता लग जाए। हर बेटा राम का जीवन जिए, अपने माता पिता की सेवा करे। हर बेटी सीता का जीवन जिए, अपने माता पिता का आदर करे, अपने सास ससुर का आदर करे। बोले आनंद कंद भगवान की। सभी आनंदित रहे, भगवान आनंद स्वरूप है महाराज, सभी की मनोकामना पूरी करने वाले हैं। अतः वेद व्यास जी उनका निरूपण करें, बारंबार करें। अतः महाराज जी भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु सभी श्रोताओं को सदा आनंदित रखें। इसी आशा के साथ वाणी को विश्राम। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे संतु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, महाकश्चित् दुःखभार् भवेत्। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। श्री कृष्ण चंद्र भगवान की, बाबा बालकदास जी महाराज की, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जय श्री